लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली NCR में मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल। पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस ना खोलने पर भारत ने जताई नाराजगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दर्ज किया मानव तस्करी का पहला मामला। नितिन गडकरी की गाड़ी को बिना जांचे जारी किया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। दिल्ली NCR में मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल। गुरुवार यानी 19 सितंबर को दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन समेत 30 ट्रांसपोर्टर संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ बुलाई गई है। पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस ना खोलने पर भारत ने जताई नाराजगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की हम निंदा करते हैं। 2 सप्ताह में दूसरी बार पाकिस्तान ने ऐसा किया है। किसी भी सामान्य देश द्वारा नियमित रूप से ये प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दर्ज किया मानव तस्करी का पहला मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में मंजूर किए गए NIA अधिनियम के तहत पहली बार मानव तस्करी का मामला दर्ज किया है। यह मामला बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी में संलिप्तता और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। नितिन गडकरी की गाड़ी को बिना जांचे जारी किया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, FIR दर्ज। नितिन गडकरी की कार की बिना जांच के ही पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी कर दी गई, इसे लेकर अब मामला दर्ज किया गया है। गडकरी की कार का पुणे में बिना प्रदूषण जांचे ही पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इससे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।